साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती के अवसर पर आयोजित रोड शो की तैयारी बैठक हम लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। हम सभी अम्बेडकरवादियों को, जिनको भी भारत के संविधान में आस्था है, सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि कल के रोड शो को सफल बनाने में अपना योगदान। जय भीम, नमो बुद्धाय। की गई पूर्व से प्रस्तावित कल 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के अवसर पर शुभ जुलूस यात्रा जो निकालने का कार्यक्रम है, उसके संबंध में हम लोग सभी लोग मतलब कैसे निकालेंगे, तमाम प्रोग्राम बैठ करके सभी अधिकतर विचारधारा के लोगों ने हम लोग तय किए और कल समय हम लोग शुभ यात्रा निकालेंगे। और लोगों से निवेदन करते हैं कि दलगत भावना से उठकर, जातिगत भावना से उठकर, इसलिए कि सभी लोगों के अगर कुछ दिया है तो बाबा साहेब ने दिया है, इसलिए दल जाति से उठकर के सभी लोग को शरीक होने के लिए निवेदन करता हूं। अधिक से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होकर के इस यात्रा में भाग लें, सफल बनावें। जय हिंद, जय भारत। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 125वीं जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं ब्लॉक परिसर में। हम लोग जाति प्रथा से उठकर काफ़ी दिनों से लोग गांव से लेकर शहर तक अम्बेडकर वादी विचार रखने वाले लोगों को हमने आमंत्रित किया है और हम लोग 5,000 की संख्या में रोड शो करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हम लोग के साथ 125वीं जयंती मना रहे हैं, जिसमें हम लोग रोड शो करेंगे। रोड शो करने से पहले बाबा साहेब माला अर्पण करके केक काटेंगे। केक काटने के बाद, वितरण करने के बाद हम लोग रोड शो के लिए यहाँ से रवाना होंगे। रवाना होने से हम लोग यहाँ से अहियापुर जाएंगे। अहियापुर से वापस आकर शाही महला होते हुए बदराबाद नया पुल होते हुए 140 पे आम कर फिर अरवल वापस आएंगे। अरवल वापस आने के बाद 110-140 पे से जाकर मोठा से वापस आकर बाबा साहेब पास फिर हम लोग स्वागत करेंगे। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए हम लोग वाहन करेंगे। सभी लोग आए जाते धर्म से उठ कर बाबा साहेब के लिए, बाबा साहेब धर्म अति पे चलने के लिए, विचारधारा पर चलने के लोगों को जागरूक करेंगे।